नमस्कार दोस्तों, श्री शांत क्लासेज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। तो दोस्तों, अगली क्लास में बात करने से पहले, त्योहारों की बात करने से पहले एक छोटा सा मैसेज है श्री शांत क्लासेज की तरफ से। पानी बचाओ, बिजली बचाओ, शिक्षा बढ़ाओ। पानी बचाओ, बिजली बचाओ, शिक्षा बढ़ाओ। देखिए दोस्तों, जिन प्राकृतिक संसाधनों का हम उपयोग कर रहे हैं वो संसाधन हमारे हिस्से के नहीं है, वो हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के हिस्से के हैं। जिनका हम आज इस वर्तमान में दुरुपयोग कर रहे हैं उनका उपयोग करें और साथ में दुरुपयोग भी करें। तो दोस्तों, आप सभी से प्रार्थना है कि पानी बचाओ, बिजली बचाओ और शिक्षा बढ़ाओ। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मित्रों आगे हमारी अगली क्लास की और अपने अगले त्योहारों की। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं हनुमान जयंती, जो चैत्र पूर्णिमा को आती है, और हनुमान जयंती के दिन ही दोस्तों, याद रखना, चैत्र पूर्णिमा के दिन ही दर्जी समझाएंगे जो संत है, संत पीपा, उनकी भी जयंती मनाई जाती है। आगे बात करेंगे दोस्तों हम अगले त्योहारों की। हनुमान जयंती के बाद अगला त्योहार आता है मित्रों, बैतमार गणगौर, या इसको कहेंगे दोस्तों बैतमार गणगौर को ही। इसी को कहा जाता है दोस्तों बैतमार गणगौर या धींगा गंवर, जैसे कहेंगे धींगा गंवर। और धींगा गंवर मनाई जाती है मित्रों वैसाख कृष्ण पक्ष तृतीया के दिन, वैसाख कृष्ण पक्ष तृतीया के दिन। देखिए दोस्तों, इसको कहते हैं बैतमार गणगौर, इसको ही कहा जाता है धींगा गंवर, जो मनाया जाता है वैसाख कृष्ण तृतीया के दिन। आगे देखिए दोस्तों, ये मुख्यतः जोधपुर और जयपुर उदयपुर में मनाया जाता है, जोधपुर व उदयपुर में मनाया जाता है। कहां का प्रसिद्ध है दोस्तों? जोधपुर व उदयपुर का प्रसिद्ध है। इसमें होता क्या है, बैतमार गणगौर के दिन जोधपुर में, कह सकते हैं मारवाड़ में, महिलाएं विभिन्न अभिनय करते हैं, विभिन्न कैरेक्टर धारण करती है। कोई जज बनती है, कोई कमिश्नर बनती है, कोई वकील बनती है, कोई मास्टर बनती है, इस प्रकार के बहुत सारे अभिनय धारण कर लेती है। और जो आने जाने वाले जो नव युवक है उनके बैत मारती है, इसलिए इनको कहा जाता है बैतमार गणगौर। तो कह सकते हैं मित्रों की ये जो त्योहार है ये महिला शक्ति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है दोस्तों? महिला शक्ति का प्रतीक है यह त्योहार। महिला शक्ति का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है, याद रहे दोस्तों ये त्योहार किसका प्रतीक है? महिला शक्ति का प्रतीक है, क्योंकि महिला इसमें नाना प्रकार के अभिनय धारण करती हैं और युवकों को, आने जाने वाले लोगों को बैत मारती, इसलिए इसको बैतमार गणगौर भी कहा जाता है, जो मुख्यतः जोधपुर का प्रसिद्ध है और उदयपुर का प्रसिद्ध है। कब मनाते हैं दोस्तों बैतमार गणगौर या धींगा गंवर? वैसाख कृष्ण तृतीया के दिन मनाया जाता है। अगला त्योहार इसके बाद है दोस्तों आखा तीज, नंबर दो में है आखा तीज, जिसको अक्षय तृतीया भी कहा जाता है। अक्षय तृतीया और आखा तीज मनाई जाती है दोस्तों वैसाख शुक्ल पक्ष तृतीया के। देखिए ये धींगा गंवर जो है बैतमार गणगौर है, वैसाख कृष्ण तृतीया के दिन मनाई जाती है, किंतु आखा तीज या अक्षय तृतीया ये वैसाख शुक्ल तृतीया के दिन मनाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट तिथि है दोस्तों, यहां से सवाल आने की बहुत ज्यादा चांसेज होते हैं। देखिए आखा तीज के दिन एक तो ये अबूझ सावा, और इस दिन दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इस दिन राजस्थान में सर्वाधिक
बाल विवाह होते हैं, बाल विवाह होते हैं। याद रहे दोस्तों, ये तो अबू सावा है और इस दिन राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। और बात करें दोस्तों, ये बात और इंपॉर्टेंट है कि अक्षय तृतीया के दिन ही बीकानेर की स्थापना हुई थी, तो बीकानेर दिवस भी मनाया जाता है। बीकानेर दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? आखा तीज के दिन ही मनाया जाता है, अक्षय तृतीया के दिन मनाया जाता है। याद रखने की बात है दोस्तों कि बीकानेर दिवस कब मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है, तो अक्षय तृतीया या आखा तीज के दिन मनाया जाता है। आगे बात करें मित्रों, आखा तीज के दिन जो आर्य समाज है, आर्य समाज ज्ञान पर्व मनाता है, दीक्षा पर्व मनाता है, ज्योति पर्व के रूप में मनाता है। एक ही बात है, दीक्षा पर्व, ज्ञान पर्व, ज्योति पर्व के रूप में मनाता है। कौन सा समाज? आर्य समाज। दोबारा रिपीट कर देता हूं मित्रों, बैतमार गणगौर या इसको ही कहेंगे धींगा गौर, ये वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन मनाई जाती है, जो जोधपुर और उदयपुर में ज्यादा प्रसिद्ध है। यह त्योहार महिला शक्ति का प्रतीक है। मैंने बता दिया कि महिला शक्ति का प्रतीक क्यों कहा जाता है। अगला त्योहार है आखा तीज, इसे ही अक्षय तृतीया कहा जाता है। ये वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन मनाया जाता है। ये एक अबूझ सावा है दोस्तों। अबूझ सावा मैंने पहले और बताया आपको, जैसे रामनवमी है, रामनवमी हो गया, देवउठनी एकादशी हो गई, और ये अक्षय तृतीया हो गई। ये क्या है जी? अबूझ सावा है। इस दिन राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं दोस्तों। कब होते हैं बाल विवाह? आखा तीज के दिन होते हैं। किंतु दोस्तों, अब वर्तमान में वो स्थिति नहीं है जो पहले थी, क्योंकि प्रशासन ने बहुत ही सख्ताई के तौर पर बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा रखा है दोस्तों। आगे इसके बाद है, और बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि हमारा प्रशासन बहुत अग्रसर इस क्षेत्र में बाल विवाह नहीं होने देता है। आगे है इसके बाद में, इस दिन बीकानेर रियासत का बीकानेर दिवस भी मनाया जाता है, बीकानेर स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात याद रख लेना दोस्तों। यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं, बीकानेर दिवस मनाया जाता है, बीकानेर दिवस मनाया जाता है, याद रख लेना दोस्तों। ये दो त्योहार हो गए। आगे इसके बाद बात करते हैं अगले त्योहार की। इसके बाद अगला त्योहार है दोस्तों पीपल पूर्णिमा। पीपल पूर्णिमा इसको ही कहते हैं दोस्तों बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा और कब आती है दोस्तों बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा? यहां पे लिख देता हूं मित्रों में, वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा इसको ही कहा जाता है दोस्तों पीपल पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा। देखिए दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा का कहने का रीजन क्या है? इस दिन महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म, निर्वाण की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति भी इसी दिन हुई थी, इनका जन्म भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ है, और इनको निर्वाण कह सकते हैं, महापरिनिर्वाण, ये दुनिया से रुखसत भी धारणा इसी दिन हुए थे दोस्तों। इसलिए बौद्ध धर्म में इस पूर्णिमा का विशेष महत्व है, वैशाख पूर्णिमा का, इसलिए इसको बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। आगे बात करें, बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही मित्रों नक्की झील, जो राजस्थान की सबसे ऊंची झील है दोस्तों, सिरोही में है नक्की झील, नक्की झील पर अपना दोस्तों ग्रासियों का कुंभ कहे जाने वाला मेला लगता है। ये बात मैं यहाँ पे लिख देता हूं दोस्तों, इस दिन नक्की झील सिरोही में है दोस्तों, माउंट आबू सिरोही, सिरोही। इस दिन नक्की झील पर मेला लगता है। जिसे क्या कहेंगे दोस्तों? ग्रासियों का कुंभ, जो ग्रासियों का कुंभ कहलाता है। इससे मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं, ग्रासियों का
कुंभ कहलाता है। क्या कहलाएगा? राशियों का कुंभ। एक विशेष बात और याद रखना दोस्तों, माता कुंडाली का मंदिर है रश्मि तहसील चित्तौड़गढ़ में, रश्मि तहसील चित्तौड़गढ़ में माता कुंडाली का वहां पे मंदिर है और वहां पे मेला लगता है, और ये कहा जाता है कि माता कुंडाली की वहां मंदिर में एक कुंड है, उसमें स्नान करने से सारे पाप दूर हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना दोस्तों कि इस दिन माता कुंडाली जो चित्तौड़गढ़ में है, रश्मि तहसील चित्तौड़गढ़, रश्मि तहसील को दोस्तों याद रखना, चित्तौड़ मेवाड़ का हरिद्वार भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं। तो वहां पे माता कुंडाली का मेला भी लगता है, और दोस्तों इस दिन नक्की झील पर भी मेला लगता है जो ग्रासियों का कुंभ कहलाता है। देखिए दोस्तों, पीपल पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा कह देंगे, कब आती है बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा? वैशाख पूर्णिमा के दिन। इस दिन नक्की झील जो सिरोही में है, जो राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, वहां पे मेला लगता है और उस मेले को ग्रासियों का कुंभ कहा जाता है। और दोस्तों याद रखें, इस झील में ग्रासियां अपने जो लोग गुजर जाते हैं उनकी अस्थियां भी विसर्जित करती है, अस्थियां भी बहाई जाती है। इसके बाद है दोस्तों, इस दिन माता कुंडाली माता कुंडाली का मंदिर है दोस्तों रश्मि गांव या रश्मि तहसील जो चित्तौड़गढ़ में है मित्र, चित्तौड़गढ़, यहां पे माता कुंडाली का मेला भी लगता है। एक विशेष बात याद रखना दोस्तों कि भारत में जो परमाणु परीक्षण किया गया था वो बुद्ध पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा या कह सकते हैं वैशाख पूर्णिमा के दिन ही किया गया था दोस्तों, और जिसका नाम भी रखा गया था बुद्ध मुस्कराए। क्या नाम रखा गया दोस्तों? पहले प्रश्न का बुद्ध मुस्कराए। ठीक है दोस्तों, ये हो गई आपकी पीपल पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा जो कब आती है? वैशाख पूर्णिमा के दिन आती है। अगला त्यौहार इसके बाद में पढ़ेंगे दोस्तों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला त्योहार इसके बाद में दोस्तों वट सावित्री व्रत, वट सावित्री व्रत या दोस्त इसको कहेंगे दूसरा, इस पे बड़ अमावस्या, बड़ अमावस भी कह देते हैं, बड़ अमावस। और ये आती है दोस्तों बड़ा माउस ज्येष्ठ अमावस्या के दिन, ज्येष्ठ अमावस्या के दिन। इस दिन सावित्री का व्रत किया जाता है, सावित्री का उपवास रखा जाता है और सत्यवान और सावित्री की कथा सुनी जाती है। इतना याद रख लेना दोस्तों कि वट सावित्री व्रत और बड़ अमावस्या कब आती है? ज्येष्ठ अमावस्या के दिन। इस दिन दोस्तों एक तो बड़ वृक्ष की पूजा की जाती है, बड़ वृक्ष की पूजा की जाती है और सावित्री और सत्यवान की कथा सुनी जाती है। वही सावित्री दोस्तों याद रखना, जिसने यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले आए थे, उसी सावित्री की बात कर रहे हैं। तो सत्यवान और सावित्री की कथा सुनी जाती है। अगला इसके बाद त्यौहार है दोस्तों गंगा दशहरा, गंगा दशहरा। और गंगा दशहरा आता है दोस्तों ज्येष्ठ शुक्ल दशमी, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन मनाया जाता है दोस्तों गंगा दशहरा। गंगा दशहरा किस उपलक्ष्य में मनाते हैं दोस्तों? भगीरथ के द्वारा गंगा को आसमान से नीचे लेकर आए थे, पृथ्वी लोक पर लेकर आए थे, इसलिए इसको भी गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। विजयदशमी या दशहरा की हम बात करें तो आश्विन शुक्ल दशमी के दिन मनाई जाती है दोस्तों, जिसमें पहले बात कर चुके हैं कि जिस दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा होती है, अस्त्र शस्त्रों की पूजा होती है। ठीक है दोस्तों, ये है गंगा दशहरा और ये आता है ज्येष्ठ शुक्ल ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन। ठीक है दोस्तों, क्यों मनाते बता दिया, वट सावित्री व्रत हो गया और बड़ा अमावस्या हो गया ज्येष्ठ अमावस्या के दिन। इसके बाद आ गया दोस्तों अगला त्यौहार निर्जला एकादशी, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों याद रखना, निर्जला एकादशी,
निर्जला एकादशी और निर्जला एकादशी आती है दोस्तों ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी देखिए दोस्तों निर्जला एकादशी, निर्जल इस दिन जल का भी सेवन, इस दिन उपवास रखने वाले लोग जल का भी सेवन नहीं करते हैं दोस्तों। ये कहा जाता है दोस्तों कि ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का सूर्योदय होगा उसको देखकर, और दूसरे दिन जो ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी होगी उस सूर्योदय को देखकर ही जल ग्रहण किया जाता है। जब तक जल ग्रहण नहीं करेंगे जब तक द्वादशी का जल सूर्य दिखाई ना दे, इसलिए इसको कहा जाता है निर्जला एकादशी। दोस्तों ये दोनों ही तरीके से इंपोर्टेंट है, निर्जला एकादशी एग्जाम की दृष्टि से भी और धार्मिक अनुष्ठान की दृष्टि से भी बहुत इंपोर्टेंट है। ये कहा जाता है कि पूरे वर्ष की अन्य एकादशियों का भाग जो होता है वो धर्म होता है वो एक तरफ होता है, और सिर्फ एक निर्जला एकादशी का जो धर्म होता है वो एक तरफ होता है, दोनों बराबर होते हैं दोस्तों। जो पांडवों में भीम है, भीम सिर्फ इसी एकादशी का उपवास करता था, और अन्य जो चार पांडव थे वो दोस्तों सभी एकादशियों का व्रत रखते थे। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना निर्जला एकादशी कब आती है, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपोर्टेंट है। इससे पहले दोस्तों हम कई एकादशियों की बात कर चुके हैं, देवशयनी एकादशी की बात कर चुके हैं, देव उठनी एकादशी की बात कर चुके हैं, देव झूलनी एकादशी की बात कर चुके हैं, और देव आंवला एकादशी की बात कर चुके हैं। तो सारे के सारे जो एकादशी है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, मिलान भी करवा सकते हैं दोस्तों इनका, और एक सिंगल भी पूछ सकते हैं कि जल झूलनी एकादशी कब आती है, देवशयनी एकादशी कब आती है, निर्जला एकादशी कब आती है, आंवला एकादशी कब आती है, इस प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों अगला त्योहार, देवशयनी एकादशी। देवशयनी एकादशी दोस्तों वैसे इसके बारे में हम पिछली क्लास में भी चर्चा कर चुके हैं, जब हमने देवउठनी एकादशी पढ़ी थी तो साथ के साथ इसकी भी चर्चा की थी, किंतु फिर भी हम इसके बारे में एक बार और बात कर लेते हैं। देवशयनी एकादशी ये आती आषाढ़ शुक्ल एकादशी, आषाढ़ शुक्ल एकादशी। कौन सी एकादशी है, देवशयनी एकादशी। दोस्तों देवशयनी एकादशी के दिन क्या होता है, जो भगवान विष्णु हैं वो क्षीर सागर या सिर सागर में जाकर चार माह के लिए निंद्रा योग में चले जाते हैं, और चार माह के बाद देव उठनी एकादशी कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन निंद्रा योग से बाहर आते हैं। इसलिए दोनों एकादशी याद रखनी है आपको, देवशयनी एकादशी भी और देव उठनी एकादशी भी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो देवशयनी एकादशी कब आती है, आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन आती है। इसी के साथ हमने ऊपर भी लिख रखी है निर्जला एकादशी, वो भी इंपोर्टेंट है दोस्तों, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन। अगला त्योहार इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा आती है दोस्तों आषाढ़ पूर्णिमा के दिन, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन कौन सी पूर्णिमा मनाई जाती है दोस्तों, गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है आषाढ़ पूर्णिमा के दिन। और गुरु पूर्णिमा के दिन दोस्तों याद रहे देव कृष्ण जो वेदव्यास जी है, महाभारत के रचयिता वेदव्यास जी, उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। देवपान जिनका पूर्ण नाम है कृष्ण देवपान वेदव्यास, कृष्ण देवपान वेदव्यास, वेद लिखने के कारण उनको वेदव्यास कहा जाता है। मित्रों यहां पे लिख देता हूं, इस दिन
आदि गुरु, इनको आदि गुरु भी कहा जाता है, आदि गुरु वेद व्यास जी का जन्म दिवस मनाते हैं। जन्म दिवस मनाते हैं। देखिए दोस्तों, गुरु पूर्णिमा कब आती है? आषाढ़ पूर्णिमा के दिन। और इस दिन जो आदि गुरु कहलाते हैं वेदव्यास जी, उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। जो महाभारत की क्या थी रचयिता है वेदव्यास जी, कृष्ण देवान वेदव्यास इनका पूर्ण नाम है दोस्तों। अगला त्योहार इसके बाद में दोस्तों अगला त्योहार है सावन के सोमवार। सावन के सोमवार नाम से पता चल रहा है किस माह में आते हैं सावन के सोमवार, सावन माह में आते हैं दोस्तों, इसलिए सावन का सोमवार मैंने यहां पे लिख दिया। और सावन के सोमवार में दोस्तों शिव की पूजा की जाती है, शिव भगवान की पूजा की जाती है सावन के सोमवार के दिन। अब सावन के सोमवार को दोस्तों वन सोमवार भी कहा जाता है, सुखिया सोमवार भी कहा जाता है, ये बात मैं यहां पे लिख देता हूं। इनको और किस नाम से जानते हैं? वन सोमवार, या इसको कहते हैं सुखिया सोमवार। सुखिया सोमवार, सुखिया सोमवार, वन सोमवार इसलिए कहा जाता है मित्रों कि इन सोमवार के उपवासों में क्या किया जाता है कि अपना भोजन लेकर किसी एकांत जगह में चले जाते हैं, वन में चले जाते हैं और वहां पे शांतिपूर्ण भोजन किया जाता है, इसलिए इनको वन सोमवार भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों निडरी नवमी। अगला त्योहार है निडरी नवमी। निडरी नवमी और निडरी नवमी आती दोस्तों श्रावण कृष्ण पक्ष नवमी, श्रावण कृष्ण पक्ष नवमी। इस दिन दोस्तों इसको निडरी नवमी भी कहते हैं और साथ के साथ इसको नेवला नवमी भी कहा जाता है। यहां पे मैं लिख देता हूं अन्य नाम क्या है, नेवला नवमी। अन्य नाम नेवला नवमी। अब आप देख सकते हैं दोस्तों नेवला नवमी कह रहे हैं तो किसकी पूजा होगी, नेवले की पूजा की जाती है। ध्यान रखना दोस्तों निडरी नवमी के दिन नेवले की पूजा की जाती है जो श्रावण कृष्ण नवमी के दिन आती है। फिर मैं बता रहा हूं दोस्तों ऐसे सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे मैंने अहोई अष्टमी आपको लिखाई, अशोकाष्टमी लिखवाई और दुर्गाष्टमी मैंने आपको लिखाई है, शीतलाष्टमी लिखवाई है। ऐसे ही दोस्तों देखिए निडरी नवमी हो गई, आंवला नवमी हो गई, राम नवमी हो गई, इस प्रकार से ये तिथियां याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी, ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो निडरी नवमी कब आती है दोस्तों? श्रावण कृष्ण नवमी के दिन आती है निडरी नवमी। और किस नाम से जानते हैं इसको? नेवला नवमी के नाम से जानते हैं। और किसकी पूजा होती है? नेवले की पूजा की जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला त्योहार आता है हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस कह दो, हरियाली अमावस्या कह दो, हरियाली अमावस। और हरियाली अमावस कब आती है दोस्तों? अब आप सभी को पता है हरियाली कब रहती है, बताने की कोई जरूरत नहीं, सबसे ज्यादा हरियाली श्रावण माह में ही रहती है। इसलिए मैंने पहले भी बताया कि हरियाली पूर्णिमा श्रावण माह की पूर्णिमा, हरियाली तीज श्रावण माह में आने वाली छोटी तीज वो हरियाली तीज कहलाएगी। ऐसे हरियाली अमावस श्रावण माह की जो अमावस है वही क्या कहलाती है? हरियाली अमावस कहलाती है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हरियाली अमावस कब आती है? श्रावण माह में आती है। लिख देते हैं श्रावण माह की अमावस। श्रावण माह की अमावस या अमावस्या, श्रावण माह की अमावस्या। ठीक है दोस्तों,
देखिए इधर देखिए सावन के सोमवार हो गए, जिनको वन सोमवार भी कहा जाता है, सुखिया सोमवार भी कहा जाता है। सावन के सोमवार में शिव की पूजा होती है। इसके बाद निर्भी नवमी होगी जो श्रावण कृष्ण नवमी के दिन मनाई जाती है, जिसको नेवला नवमी भी कहते हैं, नेवले की पूजा होती है। हरियाली अमावस्या, हरियाली अमावस्या श्रावण माह की अमावस्या को कहा जाता है। दोस्तों आप सोच रहे हो दोस्तों हम ये श्रावण माह के त्योहार क्यों पढ़ रहे, चैत्र से प्रारंभ होता है, हमने तीज से स्टार्ट किया था, सबसे प्रारंभ कौन सा त्योहार स्टार्ट किया था, तीज। तीज के बाद में फिर हम आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ते हुए फिर वापस हम देखो तीज तक ही आ गए हैं। अब इस हरियाली अमावस्या के बाद जो आगे त्योहार आएगा वो तीज से ही प्रारंभ होगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आगे हम बात करते हैं हिंदू त्योहारों के बाद में अब हम पढ़ेंगे अन्य धर्मों के त्योहार, जैसे जैन के त्योहार, जैन धर्म के त्योहार है, मुस्लिम धर्म के त्योहार है, ईसाई धर्म के त्योहार है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों आप इसका। धन्यवाद दोस्तों, हिंदू धर्म के त्योहार समाप्त हो गए हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे मुस्लिम धर्म के त्योहार, जैन धर्म के त्योहार, बौद्ध धर्म के त्योहार, ईसाई धर्म के त्योहार और सिख धर्म के त्योहार, वो पढ़ेंगे हम सारे के सारे अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।